एवरीवन तो इस वीडियो में आपको मेरी सोलो ट्रिप का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेगा एंड दो पार्ट्स में ये वीडियो आने वाली है तो सेकंड पार्ट भी जरूर देखना जल्दी ही आप अपलोड कर दूंगी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी बीच में ठीक है वीडियो पूरी रेडी है एंड आप ही लोगों ने बोला कि दो पार्ट्स में अपलोड करो क्योंकि चालीस पैंतालीस मिनट की बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ एंड उसके बाद हमारा व्लॉग जो है वो शुरू हो जाएगा ये जो सोलो ट्रिप प्लान की थी मैंने वो इट वॉज लाइक कि आज सुबह सुबह प्लान की है एंड शाम को निकलना है ऐसे मैंने इतना इंस्टेंटली uh, जो प्लान है वो बनाया था और बहुत बहुत अच्छी ये ट्रिप रही थी मेरी एंड कैसे क्या कुछ हुआ था वो सब आप इस वीडियो में देखोगे आगे वन मोर थिंग आईस वीडियो एंड तक देखना एंड में मैंने एक एक चीज़ के पैसे एंड टोटल मेरे ट्रिप का बजट कितना रहा है वो भी डिस्कस किया है तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लगने वाला है कि कितने पैसे चाहिए हैं लैंड में घूमने के लिए सुबह सात बजे की मेरी ट्रेन थी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो मुझे सुबह पाँच बजे के समथिंग ही रूम से निकलना था इसलिए मैंने शाम को ही पैकिंग स्टार्ट कर दी थी एंड मैंने अपना बैग जो है वो बिल्कुल रेडी करके रख दिया था सुबह के लिए क्योंकि मुझे पता था सुबह पाँच बजे उठ के फटाफट से नहा के एंड बस मुझे निकलने का ही टाइम मिलेगा तो अब आप देख रहे हो सुबह का सीन यहाँ पर एंड सुबह मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के बैग मेरा ऑलरेडी रे, रेडी था इसलिए बस बैग उठा के अब मुझे निकलना था साथ में मैं कैरी करने वाली हूँ वाटर बॉटल और एक दो चीज़ें और बाकी जितने में मेरा फ़ोन होता है या कैश होता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत बैग में रखती हूँ थोड़ा बहुत जो मैंने बैग वेस्ट के ऊपर बांधा हुआ है ना वेस्ट बैग पे वो उसमें भी मैंने थोड़ा कैश रखा है मेट्रो कार्ड रखा है ये सब चीज़ें रखी हैं क्योंकि मेट्रो से जा तो नहीं सकते क्योंकि मेट्रो पाँच बजे नहीं खुलती है लेकिन वापस आऊँगी मेट्रो से है ना तो फ़ोन वगैरह लिया ईयरफोन्स लिए एंड निकल चुकी हूँ यहाँ पर मैंने बाइक बुक की थी बाइक बुक करने का रीज़न था मेट्रो बंद है सुबह सुबह तो मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुँचना तो था ही एंड डायरेक्ट ऑटो वगैरह जाएंगे नहीं तो मैंने ऊबर के थ्रू बाइक बुक की थी जो कि मुझे समथिंग डेढ़ सौ के समथिंग की पड़ी थी एंड मेरे जो भैया थे बाइक वाले वो भी आ गए थे तो बाइक पे बैठ के उतनी गर्मी भी नहीं लगी मुझे एंड सुबह सुबह का मौसम अच्छा था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए यार मुझे तो ऑनेस्टली बता रही हूं थोड़ा सा डर ही लग रहा था कि यार अकेले जा रही हूं एंड uh, कभी अकेले ऐसे गई नहीं हूं सोलो ट्रिप एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अपनी लाइफ में जरूर अपनाना चाहती थी लेकिन इससे पहले का जो इतने थॉट्स आते हैं ना मन में कि जाऊं कि ना जाऊं डर लगता है इस चीज़ को ओवरकम करके एंड निकल जाओ बस एंड ये देखो सनराइज़ इतना प्यारा हो रहा था सुबह सुबह बर्ड्स थे तो मेरा तो दिन ही बन गया था उसके बाद हम आ गए अपने ट्रेन में सिटिंग वाली ट्रेन की टिकट मैंने बुक करवाई थी क्योंकि छः घंटे का सफर होने वाला है तो बैठ के ही चले जाएंगे वैसे भी दिन का सफ़र है एंड यहाँ पर पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली ही थी पहले तो लेकिन धीरे धीरे भर गई थी या आगे और स्टेशन पर तो बिल्कुल फुल हो गई थी तो सीट अपनी बुक करके ही आनी चाहिए वरना तो आपको जगह नहीं मिलेगी एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ गर्मी बहुत थी यार बहुत गर्मी थी लाइक फैन हवा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था थोड़ा सा रेग्रेट हुआ कि आ, सेटिंग वाली आ, जो है बुक करवाने के लिए एसी में अगर मैं बुक करवा ली थी एसी में भी सेटिंग ऑप्शन था पर वो सा चार सौ साढ़े चार सौ की सीट थी एंड ये डेढ़ सौ की सीट है तो बस उतना ही डिफरेंस प्राइस में भी है एंड डेफिनेटली एसी में गर्मी तो नहीं लगती है लेकिन चलो सह लेंगे थोड़ा जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो गर्मी नहीं होगी कम से कम फिर ये मैंने ना मुझे कुछ तो तीखा खाने का मन था क्योंकि सुबह की निकली हुई हूँ हु, कुछ नहीं खाया हुआ तो मैंने ना ये छोले खा लिए थे दस रुपये के ही मिल रहे थे एंड एक बॉटल खरीदी थी कोल्ड ड्रिंक की क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी तो मुझे एकदम ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन था तो माज़ा खरीदी थी मैंने तो माज़ा पीते पीते ना इतना मीठा हो गया था इसलिए मैंने फिर ये दस रुपये के छोले लिए थे मेरे फेस पे आपको पसीना साफ साफ दिख रहा होगा एंड मुझे बहुत लाइक like, बहुत इरीटेशन भी हो रही थी इस पसीने से गर्मी सी लग रही थी मुझे बट ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले थे लाइक like, छः घंटे का सफ़र था तो इस ट्रेन का जो तो टाइम था वो वन ट्वेंटी का था कि 120 पे ये पहुँचा देगी थी द्वारा ठीक है दिल्ली से द्वारा की ट्रेन थी एंड हम ये देख सकते हो आप व्यूज़ द्वारा पहुँच चुके हैं डेढ़ बजे एग्जैक्टली इसने हमें उतार दिया है मतलब ये डेली रन करती है ट्रेन एंड टाइम इसका बिल्कुल सही था एंड मैं पहुँच गई थी द्वारा रेलवे स्टेशन मेरी जिंदगी में मैंने इतना छोटा और इतना कबाड़ रेलवे स्टेशन कभी नहीं देखा <laughs> देखो मजाक नहीं कर रही हूँ बड़े बुरी कंडीशन में ये रेलवे स्टेशन था यहाँ से शायद ये एक ही ट्रेन चलती है ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे है नहीं एनी वेज फिर थोड़ा आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के आगे की तरफ जाओगे ना तो शेयरिंग टैक्सीज चल रही होती हैं लेंस डाउन के लिए सौ रुपये पर पर्सन लेती हैं ये एंड मैं ये शेयरिंग इस, बेसिकली इसको टैक्सी बोलेंगे क्या बोलेंगे आई डोंट नो लेकिन इसमें आ गई थी जिसके अंदर कम से कम भी दस बारह लोग आराम से बैठ सकते हैं तो यहाँ से फिर मैं लेंस टाउन में पहुँची एंड वहाँ पे मेरी होम स्टेज़ एंड होटल की रिसर्च स्टार्ट हुई छः सात होम स्टेज़ मैंने ढूंढे यार मुझे कोई पसंद नहीं आया फिर आके मैं ये एक रेस्टोरेंट है तो यहाँ बैठी थी क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था एंड मुझे कुछ खाना भी था तो यार बारिश हो गई थी फाइनली एंड ये जो अंकल है ना तो इन्हीं का मतलब ऊपर होटल रूम्स भी हैं नीचे रेस्टोरेंट है तो फिर इनसे मैंने पूछा कि रूम्स अवेलेबल हैं तो इन्होंने बोला हाँ लेकिन इन्होंने मुझे प्राइस तो मैं ज़्यादा ही बोला था अब मुझे ना सिंगल पर्सन के हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रहा था प्राइस लेकिन फिर मैंने इनसे से बात की थोड़ा बार्गेनिंग की फिर इनका रूम वगैरह देखा ऑनेस्टली बताऊँ बाहर इतनी बारिश हो चुकी थी अब मैं और ज़्यादा भटक नहीं सकती थी रूम ढूंढने के लिए इसलिए मैंने अंकल से बात की अंकल भी बहुत अच्छे थे एंड बहुत अच्छे से मान गए थे रूम के प्राइजेस भी इन्होंने काफ़ी मेरे लिए कम कर दिए थे ठीक है इस टाइम पे यहाँ पे थोड़े प्राइजेस महंगे हो रखे हैं रीज़न ये है कि पानी की बहुत कमी है यहाँ पे पानी जो है नीचे से आता है टैंकर मंगवाते हैं तो पानी आ, का यूजेज जो है वो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है इसलिए जब ये रूम्स देते हैं तो थोड़े महंगे देते हैं यहाँ पर फिर मैंने अपना खाना खाया खाना जो था मैंने एक आलू पराठा और दही यहीं से लिया था और बहुत टेस्टी था यार ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड फिर इन्होंने मुझे अपना रूम भी दिखाया था रूम मैंने ऑलरेडी ले लिया था बैग वगैरह मेरा यहीं रखा हुआ है बाद में मैं इसको शूट कर रही थी तो मुझे विंडो चाहिए थी क्योंकि मुझे यहाँ वीडियोज बनानी है गेट रेडी विद मी बनाना है तो मेरे हिसाब से ये रूम मुझे सही लगा थोड़ा छोटा सा है लेकिन देखो अकेली ही हूँ तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है छोटा रूम से भी तो यहाँ पर वॉशरूम भी ठीक ठाक सा ही है ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत हाई फाई रूम्स नहीं चाहिए होते हैं क्योंकि पूरे दिन तो घूमना ही है रात को सोने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं हम तो रूम मैंने ये फिर ले लिया था वैसे भी बाहर बारिश हो गई थी और मैं छः सात रूम्स ऑलरेडी भटक चुकी थी यार और बजट मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था अगर आपको पाँच छः हज़ार रुपये पर पर डे दे के देने हैं तो फिर अच्छा सा रिजॉर्ट बुक कर सकते हो आप लेकिन बजट में चाहिए तो फिर ये रूम मुझे सही लगा जिसके मैंने एक हज़ार रुपये दिए हैं पर डे के फिर मैं रेडी होके एंड अपनी ट्रिप के मतलब जो बेसिकली मैं यहाँ पे करने आई हूँ घूमने आई हूँ उसके लिए निकल दी थी तो यार पता है जैसे ही मैं बाहर निकली ना बारिश रुक चुकी थी एंड मौसम इतना ठंडा हो चुका था इतना प्यारा मौसम हो रखा था यार और गर्मी तो दूर दूर तक नहीं थी इवन थोड़ी ठंड ही लग सकती है आपको लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी अकेले घूमने में मुझे मतलब इतना पीस जो है वो फील हो रहा था देखो आप व्यूज़ देखो यहाँ के मतलब इतना सुकून वाली ये जगह थी ना और कोई भीड़ नहीं थी दूर दूर तक आपको कोई रोड पे दिखेगा ही नहीं तो मुझे सबसे खास बात तो यही लग रही थी कि दूर दूर तक कोई नहीं था मैं अकेली एंड जस्ट वॉक कर रही हूँ इतने प्यारे मौसम में तो घूमते घूमते मैं भुल्ला ताल लेक पहुंची थी तो ये भुल्ला ताल जो है बेसिकली ये अभी बंद था ठीक है छः बजे के बाद ये बंद हो जाता है लेकिन मैं छः बजे के बाद गई थी तो मैंने ऊपर ऊपर से देखा था इसको कल हम इसमें घूमने आएंगे, जब ये खुला होगा और मैंने सोचा कि थोड़ा आगे तक एक्सप्लोर करके आते हैं अब ही गए हैं यहाँ तक तो और वुड्स में लाइक ये पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है ना इतना सुकून वाला है ना और यहाँ पे मैंने सनसेट इन्जॉय किया बैठ के मुझे बहुत बहुत सुकून का एहसास हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था तो मैं यहाँ बैठी रही अपनी फ़ोटोज़ ली वीडियोस बनाई मुझे बहुत प्यारा लग रहा था मुझे बस एक चीज़ की कमी खल रही थी कि कुछ खाने पीने का ले आती छोटा सा बैग ले आती एंड यहाँ बैठ के खाती पीती कितना सुकून यहाँ पर मिलता मुझे तो ये व्यू जो था मुझे तो अच्छा लग रहा था एंड सोलो ट्रिप इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि इसने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं एंड मैं डेफ़िनेटली आगे भी सोलो ट्रिप्स जो हैं वो करना चाहूँगी व्यूज़ आप देख सकते हो बहुत प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पे मैं अपनी बहुत वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रही हूँ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फ़ोटो किसने ली सोलो ट्रिप पर थे तो अरे यारो इतना तो मतलब इतना तो कॉमन सेंस लगा लो एक किसी भी इंसान को आसपास में बोल दोगे ना मेरी फ़ोटो खींच दो भाई एक के बजाय दस खींच देंगे वो एंड यहाँ पे मैं फिर रूम में आ चुकी थी हेलो एवरीवन सो बैक टू माय होटल रूम रीज़न यहाँ पे थोड़ा जल्दी आना होता है द प्लेस इज एब्सोल्युटली सेफ लेकिन रीज़न है कि यहाँ पर जंगली जानवर आ जाते हैं इसलिए अंधेरा होने से पहले रूम में होना होता है तो आठ बजे हैं अभी एंड मैं साढ़े सात समथिंग ही रूम पे आ गई थी और क्योंकि मैंने चार पाँच बजे के समथिंग ही खाना खाया था इसलिए मुझे भूख भी नहीं है अभी मेरे पास एक डेरी मिल्क पड़ी है मोस्ट प्रोबेबली मैं वही खा के काम चलाने वाली हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है आई एम अ मॉर्निंग पर्सन मुझे ब्रेकफास्ट ही होता है तो सुबह जल्दी उठ के अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट जरूर करूंगी मैं Uh, और यहाँ पे ना बारिश हुई है आपने देख ही ली होगी बाकी फार आई एम लविंग इट मुझे अच्छा लग रहा है मौसम बहुत अच्छा है लाइक वी डोंट है फैन हियर एंड ये वाला जो स्टाफ है वो मैंने निकाला है सो दैट्स इट एंड ये रूम है एंड अभी आई एम जस्ट को न रेस्ट क्योंकि ट्रैवल करके आई थी ना इतनी गर्मी में वैसे कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं था सुबह सात बजे चली थी बट स्टिल थोड़ा गर्मी में ट्रैवल किया था तो आज बस नहा धो चुकी हूँ एक जगह भी एक्सप्लोर कर ली है एंड अब बस आराम से uh, बैठ के अपनी फोटोज़ वगैरह अपनी वीडियोज़ एडिट करने वाली हूँ तो थोड़ा काम भी हो जाएगा एंड रिलैक्स करने वाली हूँ देट्स वेट पर बेट यार फिर रात होते होते मुझे थोड़ी और भूख लगी गई थी तो मैंने सोचा चाउमीन मंगा लेते हैं इसलिए मैंने चाउमीन जो है वो ऑर्डर कर दी थी सिक्सटी रुपीज़ की प्लेट दी थी होटल में ही मैंने रिसेप्शन पे कॉल करके ऑर्डर की थी एंड डिसेंट थी क्वालिटी अच्छी थी खाने में ठीक थी और यार मुझे मुझसे तो खाई भी नहीं गई थी पूरी एनी उसके बाद इस व्यू के साथ इंजॉय करते करते खाते खाते फिर मैं सो गई थी थक भी गई थी इसलिए मेरे को बहुत अच्छी नींद आई थी और सुबह उठ के ना मुझे दो मिनट के लिए तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं हूँ कहाँ पर मुझे दो मिनट लग गए समझने में कि वो ज्योति तू घूमने आई हुई है एंड यहाँ पे सुबह उठ के मैं नहाई धोई एंड ये मेरा आउटफिट होने वाला है डे टू के लिए ऑल वाइट आउटफिट जो है वो मैंने रखा है वाइट कलर की यहाँ पे कुर्ती पहनी है नीचे से वाइट जीन्स पहनी है और इयर वगैरह पहने एनी anyway, शॉर्ट्स तो आई जाएगी गेट रेडी मी में तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से रेडी रह हूँ खुद को मैं बड़ी प्यारी लग रही थी एंड देखो रूम लेने का फ़ायदा देख रहे हो आप मतलब विंडो है ना तो कितनी प्यारी वीडियोज़ आप बना सकते हो यहाँ पर विंडो में फ़ोन रख के एंड नेचुरल लाइट भी आ रही है चलो आप खाना खाने चलते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं और घूमते फिरते हैं तो यहाँ पर मैंने ना अंकल से पूछा जैसे ये होटल के अंकल हैं बहुत ही अच्छे हैं तो इन्होंने मुझे बोला कि बढ़िया एकदम पैदल घूमो और ये ये व्यू पॉइंट्स देखो तो यहाँ पे मैं आप अगेन बैठ गई हूँ सेम सीट सेम व्यू के साथ और अपने मैंने आज प्लेन पराठे ऑर्डर किए थे दो प्लेन पराठे ऑर्डर किए थे एक आज चुका था एक और आएगा एंड चाय तो सुबह सुबह था ठंडा मौसम था तो चाय पीनी थी मुझे और पराठा माय गॉड इतना टेस्टी पराठा था एंड खा पी के मैं निकलती हूँ एक्सप्लोर करने के लिए चार पाँच किलोमीटर तक आराम से घूम के आएंगे आगे जो जो देखने की जगह होंगी सब देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ बस एंड अपने आप को रिकॉर्ड रही हूँ ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है एंड यहाँ के रोड्स देखो आप कितने सुकून वाले कितने मतलब शांत है जबकि ये तो मेन रोड से जस्ट निकलते ही है यहाँ तो होटल वगैरह भी हैं यहाँ पे खुद की वीडियो बनाने की कोशिश करते हुए मैं एंड घबराऊँ मत गाइस मेरा फ़ोन कोई नहीं उठाएगा क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ बारिश भी हो गई थी पता है बीच में बारिश में मैं पेड़ों के नीचे खड़ी हो जाती थी तो मैं ज़्यादा भीगी नहीं यहाँ पे, लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो रखा था और शायद बारिश है ना इसलिए बहुत सारे लोग भी नहीं हैं बाहर नहीं निकले हुए हैं लेकिन मुझे बहुत मज़े आ रहे थे बाहर घूमते हुए एंड Uh, यहाँ पे एक तरीके से आप ये सोच लो कि ये यहाँ की लोकल पॉपुलेशन 2000 लोग ही हैं बस इतने ही लोग रहते हैं जितनी मैंने यहाँ पे बात करके लोगों से जाना है शॉपकीपर वग़ैरह से बहुत कम लोग रहते हैं और सब काम से ही निकलते हैं अपने काम में लगे रहते हैं ज़्यादा भीड़ भाड़ तो है ही नहीं यहाँ पर एंड जो टूरिस्ट आते हैं वो अपनी गाड़ी से बस डायरेक्ट व्यू पॉइंट्स पर या फेमस पॉइंट्स पर चले जाते हैं तो रस्ते में आपको कोई भीड़ नहीं दिखने वाली है तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि पैदल घूमो बहुत सुकून मिलेगा आपको एंड कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलने वाली है और मेरे को तो बहुत मज़ा आए और ये सारे देखो डायरेक्शंस आपको ऐसे बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे चर्च हैं यहाँ पर टिपिन टॉप पॉइंट है सनसेट पॉइंट है मंदिर है तो आप आराम से जो है बोर्ड्स देखते okay. देखते जा सको नॉर्मली मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ चलते चलते मतलब वॉइस ओवर पीछे से करती हूँ आई जस्ट मेक स्मॉल स्मॉल क्लिप्स एंड बाद में वॉइस ओवर देती हूँ लेकिन यार यहाँ पे इतनी शांति है एक सिंगल इंसान नहीं है तो मुझे कोई हेजिटेशन कोई शाय फील नहीं हो रहा है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बारिश हो रही है एंड जो मेरा चश्मा है ना पूरा फोगी हो गया है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एंड मैं ये छोटू सा बैग लेके निकली हूँ इसके अंदर एक हैंकी भी नहीं आया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरा आउटफिट इज़ पूरा वाइट तो डेफिनेटली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्लीन करने के लिए सब गई हो गया है फोन के स्क्रीन पे भी बहुत सारा ड्रॉपलेट्स आके गिर गई हैं एनी वेज ऑनेस्टली बताऊँ ना मतलब बहुत प्लेजेंट मौसम है और मतलब मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं बारिश में भी घूमने में आ रहा है क्योंकि मैं इतने दिनों से दिल्ली में ना बस प्रे करती थी डेली कि बारिश हो जाए मैं नहाऊंगी बारिश में एंड यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे ना दिवाली से पहले वाला जो टाइम होता है ना Uh, हमारे यहाँ पे जिसमें वो ठंड होती है हल्की सुबह शाम पूरे दिन हल्की ठंड रहती है वो मौसम हो रखा है मतलब सुबह आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हो गर्म करके नहाना पड़ेगा उस टाइप का मौसम है एंड बहुत बहुत मज़े आ रहा है मुझे ट्रैवलिंग सोलो मेक्स इट वेरी इजी वेरी कन्वीनियंट कि आप अपने हिसाब से उठो एक्सप्लोर करो वरना काफ़ी दोस्त होते हैं बहुत लेट उठते हैं आज मैं आठ बजे तो होटल से निकल गई थी घूमने के लिए एंड अभी नौ बज रहा है एक घंटे से मैं घूम ही रही हूँ बारिश आ रही है तो कहीं कहीं रुक जाती हूँ और शायद बारिश इसलिए बहुत टूरिस्ट भी नहीं है तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है चर्चेज में ऑलरेडी already... एक्सप्लोर कर चुकी हूँ यहाँ पे रास्ते में दो चर्च आए एंड मैंने दोनों ही देख लिए बहुत शांत थे यार बहुत पीसफुल थे बहुत अच्छा लगा उसके बाद मैं टिपिन टॉप के लिए निकल गई एंड वहाँ की जो टिकट प्राइस था वो था ट्वेंटी रुपीज़ पर पर्सन मैंने अपने लिए टिकट ली एंड मैं चली गई यहाँ पर टिपिन टॉप पर बेसिकली ये हाइएस्ट व्यू पॉइंट है तो यहाँ से आपको नीचे का पूरा व्यू जो है वो दिखता है एंड क्योंकि ये एक तरीके से व्यू पॉइंट है तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी थी लोग अपनी गाड़ी से आ रहे थे डायरेक्टली यहीं पर रुक रहे थे तो यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ मैं बोलूँगी व्यू की बात करें तो व्यू डेफिनेटली बहुत बहुत प्यारा जो है वो दिखता है यहाँ से यहाँ से पूरी वैली एंड बहुत अच्छे से माउंटेन्स क्लाउड सब कुछ ही बहुत प्यारा लगता है सो ये है यहाँ का व्यू तो मैंने तो पूरा व्यू अच्छे से ले लिया फ़ोटोज़ भी ले ली वीडियोज़ भी बना लिया अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है क्योंकि थोड़ा सा भीड़ वाला एरिया है तो यहाँ मेरा बैठने का मन नहीं हो रहा है ओके okay, सो so, हमने दो चर्च देख लिए उसके अलावा हम यहाँ पे एक टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट है वो देख लिया अब मैं वापस जा रही हूँ होटल उसका रीज़न है मुझे कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि इतने सारे आउटफिट्स लाई हूँ तो उनको यूज़ तो करना ही है ना तो अभी के लिए मैंने काफ़ी अच्छा खासा एक्सप्लोर किया है एंड वो भी सिर्फ वॉक करके किया है तो अब मेरे को बस एक बार रूम जाना है और मैं थोड़ा सा आउटफिट चेंज करूँगी मैं भी जीन्स यही रखूँ एंड ऊपर से, से टॉप वगैरह चेंज कर लूँ वैसे भी ये ऑल वाइट हो रखा है तो थोड़ा सा बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है मुझे अदर देन देट मुझे मेरा आउटफिट बहुत पसंद आया ये ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत फोटोज़ क्लिक कर लिया इसलिए मैं सोच रही अब आउटफिट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि यार मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ तो मैं उनको यूज़ करना चाहती हूँ तो मे बी दो बार आज मिनिमम मिनिमम दो बार मैं चेंज करूँगी ही करूँगी एक अभी चेंज कर लेते हैं फिर आफ्टरनून के बाद है कि इवनिंग में चेंज कर लेंगे रात को या बाहर निकलते नहीं है वरना रात को भी कर लेते हैं तो दो बार तो आज चेंज करूँगी तो पूरे दिन में तीन आउटफिट्स पहनने का मेरा इरादा है सारी जगह आप पैदल एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि जैसे मैं अभी टिपिन टॉप पॉइंट पे गई क्या होता है ना कि लोग डायरेक्टली वहीं जाके रुकते हैं लाइक गाड़ी से जाते हैं लाइक गाड़ी से जाते हैं एंड वहीं जाके रुकते हैं तो वहाँ पे भीड़ मिलेगी आप लेकिन अगर आप पैदल चलोगे ना तो ट्रस्ट में इतना सुंदर आपको पूरा रास्ता लगने वाला है मतलब उन चर्च डेफिनेटली बहुत पीसफुल हैं बहुत अच्छे हैं अगेन थोड़ी सी भीड़ हो जाती है मैं सुबह जल्दी गई थी तो एक चर्च मुझे खाली मिला था बिल्कुल दूसरे में थोड़े लोग आ गए थे लेकिन जो रास्ता है ना पैदल बहुत कम लोग हैं लाइक मैं ही हूँ ऑनस्टली <laughs> बताऊँ तो मुझे तो मैं ही अकेली हूँ जो शायद पैदल हूँ तो जो रास्ता है ना वो मुझे ज़्यादा पीसफुल ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि जैसे ही मैं उस पॉइंट पे पहुंचती हूँ डेस्टिनेशन पे पहुंचती हूँ वहाँ थोड़ी बहुत भीड़ मिल ही जाती है तो मेरे को उतना कुछ खास मज़ा नहीं आता है भीड़ होती है तो तो मुझे यहाँ घूमते हुए चलने में एंड फिर व्यू देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए यही सजेस्ट करूँगी बाय वॉक कवर करना सब कुछ तीन चार किलोमीटर्स के अंदर ही है सब कुछ तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा अभी तक कोई मेरे पैर वैर दर्द नहीं हुआ थोड़ा कहीं कहीं पे ऐसा होता है चढ़ाई होती है ट्रैकिंग करनी पड़ती है थोड़ी सांस फूलती है बट पानी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम इतना ठंडा है तो पानी वानी की ज़रूरत नहीं है मैं सिर्फ ये छोटा सा बैग कैरी कर रही हूँ एंड अभी मैं पहुँचने ही वाली हूँ वापस सो पहुँच के कपड़े वपड़े चेंज करते हैं एंड फिर निकल लेंगे तो रूम में आके मैंने ऊपर से अपनी कुर्ती जो है वो निकाल के ये ब्लू कलर का टॉप पहन लिया एंड वाइट के साथ बहुत सुंदर लग रहा था यार और इयर भी चेंज करके वाइट वाले पहन लिए थे मुझे ये वाला लुक बहुत बहुत प्यारा लग रहा था डेफ़िनेटली आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिलेंगी आगे जाके एंड मैंने यहाँ पर ये आउटफिट जो है वो चेंज कर लिया एंड ये मेरा रूम है जो कि थोड़ा सा फैल चुका है एंड अभी तो मैं तो निकल दी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए तो मार्केट बहुत छोटा सा है लाइक लोकल मार्केट है यहाँ के लोकल लोग यहीं से परचेज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हाईफाई यहाँ पर कोई शॉप्स नहीं है एक दो फैंसी शॉप्स हैं बाकी यहाँ पे डेली यूज़ का जो सामान होता है ना उसकी शॉप्स ही हैं बहुत बड़ा मार्केट नहीं है बहुत कुछ आप यहाँ से खरीद नहीं सकते हो सब्जी वगैरह की फ्रूट्स वगैरह की हैं जो कि फ्रूट्स भी अच्छे नहीं आ रखे थे मेरा मन था फ्रूट्स लेने का बट अच्छे नहीं आ रखे थे फ्रूट्स तो यहीं ऐसे ही घूम रही थी मैं तो मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रही थी शॉप्स में जा रही थी कोई चीज़ें देख रही थी प्राइस वगैरह पूछ रही थी देख रही थी बस कि यहाँ के प्राइजेस में हमारे यहाँ के प्राइजेस में क्या डिफरेंस है क्या नहीं ऐसे ही बात करते करते बहुत यहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट भी किया एंड मार्केट भी एक्सप्लोर किया शॉपिंग भी की एंड जो जो ख़रीदा है वो भी आपको दिखा दूँगी मैं जल्दी ही एक वीडियो बना के काफ़ी सारे सामान ख़रीदा है वुडन आइटम्स ख़रीदे हैं तो मैं तो ये यहाँ पे बस ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही हूँ घूम रही हूँ ये कुछ फैंसी शॉप्स थी जहाँ पे गिफ्टिंग के आइटम्स या फिर आप यहाँ से वापस याद के तौर पे कुछ चीज़ें ले जा सकते हो ऐसे आइटम्स मिलते हैं तो यहाँ से आप डेफिनेटली कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हो बट बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं सस्ती नहीं हैं बिल्कुल भी तो सोच समझ के ही खरीदना बस इम्पल्सिव शॉपिंग मत करना क्योंकि प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं वुड की चीज़ें होती हैं ना और वो भी हाथ से बनाई हुई हैं तो थोड़े से महंगी आती ही हैं उसके बाद मैं गई थी एक ये बेकरी थी तो यहाँ से मुझे थोड़ा मीठा कुछ खाने का मन था तो ये बीस रुपये में मैंने एक पेस्ट्री ली थी एंड ये खाई थी मैंने फिर मैं निकल दी थी और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए ख़ुद की फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचनी थी मुझे थोड़ी वीडियोस भी बनानी थी तो मैंने सोचा चलो घूमते घूमते देखते हैं और क्या क्या जगह हैं यहाँ पे तो थोड़ा इधर उधर और मैं घूमी और यार बहुत तो खाली खाली यहाँ पे सड़कें थी घूमने में बहुत मज़े आ रहे थे एंड खुद की वीडियोज़ वगैरह भी थोड़ी मैंने बनाई थोड़ी देर बैठी एंड आते जाते लोगों को देखा एंड अब वापस जाने का टाइम आ गया था क्योंकि लंच का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट है ना सुबह सात बजे आठ बजे ब्रेकफास्ट किया था एंड ये मेरा होटल होटल गैलेक्सी एक चीज बताती हूँ यहाँ पे जो अंकल हैं ये इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं ठीक है तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो लाइक आपके आ, एल्डर्स में से या कोई आप ऐसे इंसान को जानते हो जो होटल वगैरह खरीदना चाहते हैं उत्तराखंड में दैन कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनके रेस्टोरेंट होटल बहुत अच्छा है एंड सर्विस भी बहुत अच्छी है तो लंच मैंने ऑर्डर कर दिया था एंड रूम में अंकल ने पहुँचवा दिया था रोटी एंड आलू की सब्जी ये सब खाया मैंने खा के थोड़ी देर रेस्ट करके मम्मी से बात करके फिर मैं निकली थी एक आउटफिट और चेंज करके आउटफिट्स की तो आपको गेट रेडी विद मी मिल ही जाएगी इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया है फिर मैं निकल चुकी थी क्योंकि हम कल भुला ताल नहीं जा पाए थे बंद हो गया था तो आज मुझे भुलाताल जाना था तो तीन चार बजे मैं आ गई थी क्योंकि छः बजे तक बंद हो जाता है फिर यहाँ यहाँ पे पचास रुपए की टिकट लगती है एंड उसके अंदर में आ गई थी तो ये एक झूला था यहाँ पे